में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अथॉरिटी का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। अथॉरिटी ने अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान 430 करोड़ कीमत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। देखिए रिपोर्ट। नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, 430 करोड़ की जमीन से कब्जा हटाया। ₹80,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त। बीते 1.5 महीने से नोएडा अथॉरिटी फुल एक्शन में है। अथॉरिटी ने ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर भू माफियाओं और अतिक्रमणकारियों को बख्शने वाली नहीं है, लिहाजा नोएडा अथॉरिटी अवैध निर्माण करने वालों पर लगातार कार्रवाई में लगी है। अथॉरिटी का बुलडोजर गरज रहा है और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रहा है। अथॉरिटी की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान में अब तक 430 करोड़ की कीमत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। साथ ही 20 लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। यही नहीं, पटवारी और जेई की लापरवाही पाए जाने पर नोटिस दिया गया है। नोएडा की अधिसूचित जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ प्राधिकरण की पिछले 1.5 महीने से कार्रवाई जारी है। पिछले 1.5 महीने में 80,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया और प्राधिकरण ने अधिसूचित जमीन को अपने कब्जे में लिया है। साथ ही साथ 20 लोगों के खिलाफ प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा FIR भी दर्ज कराई गई है। नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश एम के आदेश पर तमाम संबंधित विभाग के अधिकारियों को ऐसी जगहों को चिन्हित करने के आदेश दिए गए जहां पर अवैध कब्जा किया जा रहा है या भूमाफिया या कॉलोनी बना रहे हैं या तो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। कई ऐसे अधिकारी जिनकी लापरवाही पाई गई अवैध कब्जे में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और तकरीबन 430 करोड़ रुपए की जमीन को अभी तक 1.5 महीने के अंदर कब्जा मुक्त करा लिया गया है। प्राधिकरण के CEO ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ आने वाले दिनों में इसी तरीके से जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। नोएडा अथॉरिटी के CEO लोकेश एम के आदेश पर हाजीपुर, सलारपुर, पड़थला में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बीते 24 घंटे में नोएडा प्राधिकरण ने करीब 260 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। पड़थला खंजरपुर गांव के पास हिंडन नदी के करीब डूब क्षेत्र में माफियाओं ने 8,000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा करके मकान का निर्माण कर लिया था। प्राधिकरण की भूलेख विभाग की टीम और वर्क सर्कल की टीम ने पुलिस बल के साथ में संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। नोएडा प्राधिकरण के इलाके में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण की प्रभावी कार्रवाई जारी है। हमारे साथ नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश एम मौजूद हैं। सर, किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? ऑलमोस्ट 1.5 महीने से हम लोगों ने एक अभियान चलाया। पूरा नोएडा अथॉरिटी में हमारा जो अर्जित जमीन है और अधिसूचित जमीन है, दोनों जगह जहां जहां अवैध कब्जा है, अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी तक पिछले 1.5 महीने में हम लोग 80,000 वर्ग मीटर जमीन में जितने भी अवैध अतिक्रमण था, अवैध कब्जा था, उसको खाली करा दिया। लगभग इस जमीन का कीमत अराउंड 430 करोड़ का है। तो इतना हम लोगों ने कार्रवाई किया है और जहां जहां हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया, वहां पर जिन लोगों ने वहां पर अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन किया या एक्विजिशन कर रहे थे, उनके खिलाफ FIR भी किया है। अराउंड 20 FIR अभी तक हुआ है। एंड कुछ हमारा अथॉरिटी का कर्मचारी है, जैसे लेखपाल जेई, उन लोगों को हम लोगों ने नोटिस भी जारी किया। अथॉरिटी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है। नियम के खिलाफ बनाए गए इमारतों पर लिखवाया जा रहा है कि ये इमारत अवैध है, ताकि जनता जागरूक रहे। नोटिस भी जारी करें हम लोग, ये भी लिख रहे वहां पर, अगर कुछ कारण से अगर हम लोग बिल्डिंग को डेमोलिश नहीं कर पा रहे तो पब्लिक नॉलेज के लिए वहाँ हम लोग लिख रहे कि ये अवैध और इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अवैध जमीन, इस तरह का हम लोग लिख भी रहे ताकि लोगों को पता चले। एंड कुछ जगह हम लोग सील भी कर रहे। सलारपुर में खसरा संख्या 700 से 715 में करीब 30,000 वर्ग मीटर जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया। इस जमीन की अनुमानित लागत करीब 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस जमीन पर अवैध दुकानें बनाई गई थी। यहाँ 2 से 3 JCB और भारी पुलिस लगाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई ने साफ कर दिया कि नोएडा में भू माफियाओं का सफाया नहीं।
और लगातार एफआईआर दर्ज कराने और भू माफिया एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने की जो ये कार्रवाई है वो लगातार चलती रहेगी। सभी तमाम जो वर्क सर्कल के अधिकारी हैं, जेई हैं या पटवारी हैं, उन सभी पर भी अगर लापरवाही पाई गई तो आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही साथ नोएडा के उन भोले भाले लोगों के लिए सीओ ने कहा है जो इन लोगों के झांसे में आकर प्लॉट या दुकान खरीदते हैं, ऐसे लोगों के झांसे में न आए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज।